तो हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में आप सब देखेंगे 34th द गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल, जो कि दिल्ली में लगा हुआ है। 19 फेब से लगा हुआ है ये फेस्टिवल जो है, गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल, और लास्ट डेट है इसका 13 मार्च। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ग्लिम्सेस, मैंने जितनी सारी क्लिप थी अच्छी वीडियोस वहाँ की, मतलब जितनी सारी चीज़ें वहाँ दिख रही थी मैंने बना लिया है वीडियो। और आप वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं और अच्छा अच्छा फूड भी खा सकते हैं। और मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगी और आपको दिखेगा भी, और आपको क्यों जानी चाहिए। हाँ, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टाइप की भी वीडियोस डाल दूं जो दिल्ली में इवेंट्स वगैरह की होती है वीडियोस, मतलब कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। तो आप सब जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे 34th गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल लगा हुआ है गार्डन ऑफ 5 सेंसेस में। तो मैं आज आप सभी को ये दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब यहाँ पे आप जाएंगी आपको इतना अच्छा लगेगा, इतनी जितनी सारी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप जाएंगे तो इतनी अच्छी रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनाई देगी, मतलब इतना प्यारा म्यूज़िक, मतलब आपको इतना अच्छा लगेगा ना। जब मैं गई थी आपको मैंने लाइव भी दिखाया था, और वहाँ पे आप कुछ चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं, जैसे हैंडमेड चीज़ें थी तो बहुत सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो मैंने लास्ट डेट भी बता दिया है, अभी आप आगे देखेंगे। और इस तरह जितनी सारे इवेंट्स हुआ करेंगे दिल्ली में, मैं उस सब की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाया करूँगी। और इस वीडियो को मेरा बनाने का ये भी मकसद था कि इसमें शॉपिंग भी आप कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे भी शॉपिंग कर सकते हैं, हर चीज़ मिल रही थी शॉपिंग के लिए। इतना बड़ा मतलब मार्केट नहीं था शॉपिंग के लिए, लेकिन सब कुछ मिल रहा था। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कितना अच्छा आर्ट है ना, मतलब कितना प्यारा लग रहा है, इसको एक्सप्लेन। और ये फ्लावर्स से बना हुआ इंडिया गेट एकदम छोटा सा आपको दिखेगा, मतलब इतना अच्छा लगेगा ना आपको। देखिए, ये बोतल से बना हुआ था, ग्लास वाली बोतल से ट्री बना हुआ था। आप जाएंगे ना वहाँ पे बहुत अच्छा फील होगा। अभी आप देखेंगे कि पहले स्क्रीन पे देखिए, तो आप वहाँ पे नेमिंग भी लिखवा सकते थे किसी भी, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, इसमें आपको सारी चीज़, आप मेहंदी डिज़ाइन भी वहाँ पे बनवा सकते थे। और वहाँ पे मतलब स्केच भी बनवा, मतलब लाइव स्केच बन रहा था। सबसे पहले जो चीज़ें स्क्रीन पे आ रही हैं मैं वो बता देना चाहती हूँ, और आप लोगों को मतलब जानी चाहिए अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, अगर आप फ्री हैं तो, और अगर आप नेचर लवर हैं तो ज़रूर जानी चाहिए। देखिए, आपको यहाँ पे मिट्टी से बेक करके जो बनाई जाती है ये सारी चीज़ें भी मिल रही थी। और यहाँ पर जो चीज़ें मिल रही थी ना उसका प्राइस भी सही था, मतलब 100 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में मिल रहा था। ये सब जो था प्लेट सब देख रहे हैं मिट्टी का बना हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे, आप सेरेमिक्स आइटम हैं ये सारा जो आप देख रहे हैं, तो इसका भी अलग अलग प्राइस था। इसमें गमले थे, हर तरह की चीज़ थी। अभी आप देखेंगे स्टिक भी था, अभी आएगा स्क्रीन पे आगे। हाँ, इस तरह का स्टिक था, बटरफ्लाई, ये सारी चीज़ें बनी हुई थी। तो ये एक स्टिक था ना, मतलब 80 रुपीज़ बता रही थी, 100 रुपीज़ बता रही थी, अलग अलग प्राइस बता रही थी। तो देखिए, यहाँ पे टैटू भी बनवा सकते थे, मेहंदी भी लगवा सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हैं यहाँ की। मतलब ये था कि इस वाले गार्डन में कपल्स भी बहुत सारे जा रहे थे, मतलब कपल्स भी बहुत सारे थे। और बहुत बड़ा है ये गार्डन, जो गार्डन ऑफ 5 सेंसेस है ना उसी में लगा हुआ ये गार्डन ऑफ 5 सेंसेस साकेत में है। तो देखिए, जब आप यहाँ पे आएंगे तो इतना प्यारा म्यूजिक सुनाई देगा, और इतना प्यारा प्यारा फ्लावर्स, इतना अच्छा लगेगा। आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब इतना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते आप यहाँ पे आ सकते हैं, कितना मज़ा आएगा ना।
देखिए मुझे और जब आप एंट्री करेंगे तो आगे की तरफ जब आप चलते हुए जाएंगे तो राइट साइड में इस तरह आपको प्रिंसेस दिखेगी, दिख रहा है ना आपको? वैसे एवरी गर्ल इज़ अ प्रिंसेस, सम ऑफ देम जस्ट डजंट नीड द क्राउन, है ना? और पता है यहाँ पे बहुत सारा इवेंट्स हो रहा था, जैसे अपना टैलेंट आप आगे देखेंगे, मैंने वीडियो में वहीं लाइव बता दिया था, और किसी जगह सॉन्ग बज रहा था, किसी जगह मतलब इतना अच्छा माहौल वहाँ पे बना हुआ था ना, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा, आप देख सकते हो। और फोटो क्लिक करने के लिए इतना अच्छा अच्छा जगह था वहाँ पे, आप फोटो क्लिक करने के लिए भी आप वहाँ पे जा सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा, मैं बता रही हूँ ना। तो ठीक है, आप अभी देखिए, अभी आगे बहुत सारे देखेंगे और भी जगह। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बोतल से बना हुआ, आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा लग रहा है ना, ये रूम जैसा है कुछ इस तरह का, आपको वहाँ पे मॉडल मिलेगा देखने के लिए। और इस सब जगह पे आप फ़ोटो शूट कर सकते हैं, फ़ोटो क्लिक करने के लिए जा सकते हैं, आपको देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्री पे कितना अच्छा लग रहा है ना, ट्री पे एक इस तरह बना दिया गया है, और यहाँ पे स्टैचू सब है ट्रीज पे, कुछ लेटे हुए, कुछ आपको सब कुछ दिख ही रहा होगा। तो फिर आप देखिए, आगे आप देखेंगे। और पता है अगर आप अपना कुछ, आपको सिंगिंग आती है या फिर कुछ भी आता है, डांसिंग आती है, गज़ल कुछ भी आपको आता है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पब्लिक होंगे सब गैदर होते हैं, एक साथ होते हैं, फिर आप मतलब आपका टैलेंट देखेंगे और आपको इस तरह उन सब के सामने आप भी अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो ये सारा भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं ना? आपको शॉपिंग करने के लिए भी मिलेगा, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। देखिए, शायद मैंने आपको टाइमिंग नहीं बताया ना, यहाँ जाने के लिए आप साकेत मेट्रो से जा सकते हैं, येलो लाइन से, और आपको वहाँ पे, वहाँ से आप मतलब कोई भी इको रिक्शा मिल जाएगा, आप वहाँ से चले जाएंगे। और वहाँ जाने का टाइमिंग क्या है, तो सुबह 11 बजे से शाम 5:30 तक और 6:30 तक रहता है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि आप अपना टैलेंट यहाँ पे दिखा सकते हैं और यहाँ पे पब्लिक इकट्ठा होंगी, गैदर होंगी यहाँ पे, तो आप लोग अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। अभी ये गज़ल गाने वाले हैं बाय, तो अभी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे जिसमें जो टैलेंट है वो दिखा सकते हैं। अभी यहाँ पे एक और टिकट है वहाँ का, मतलब 50 रुपीज़ है, और संडे को मतलब 50 रुपीज़ है, और डेली वैसे वीक डेज पे आपका 40 रुपीज़ ही लगेगा टिकट। तो आपने म्यूज़िक सुना, पता नहीं ये मोनेटाइज होगा कि भी नहीं होगा, कॉपीराइट आ जाएगा ना शायद, मैंने म्यूज़िक डाल दिया, कोई नहीं। तो जैसे आपने सुना इस तरह की म्यूज़िक आपको सुनाई देगी, बहुत अच्छा लगेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कपल्स भी बहुत सारे मिलेंगे, कपल्स भी जा रहे थे, मैं हंस क्यों रही हूँ, पीछे जब आप सीधे चलते हुए जाएंगे बहुत बड़ा है, तो लास्ट में कपल्स के लिए बहुत जगह रहता है। और अभी देखेंगे, मैंने एक वॉल भी दिखाया था जिस पे अपने लवर्स अपना नाम लिखते हैं एक दूसरे का, तो देखेंगे। देखिए इस तरह आपको देखने में इतना अच्छा फील होगा ना, कि नेचुरल चीज़ें दिखाई दे रही थी वहाँ पे, तो
तो मैं यहाँ से वीडियो बनाते हुए सीधे अंदर की तरफ जा रही थी। तो जब यहाँ से आप सीधे जाएंगे, इसमें कुछ ही नहीं, आप जब इंट्री करेंगे ना तो आपको पता ही चल जाएगा कि किस तरफ जाना है। तो उस तरफ जब मैं जा रही थी तो बहुत सारे कपल्स थे। और हाँ, अभी आप देखेंगे एक वॉल, वही वॉल जिसके बारे में मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यार में पागल लोग जो पागल हो चुके हैं, जो प्यार करते हैं वो पागल ही होते हैं। देख सकते हैं इस वॉल पे, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वॉल नहीं है, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो बहुत सारे नेम लिखे हुए हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसके नेम लिखे हुए हैं। देख सकते हैं आप सब, देख यहाँ के हालात को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ प्यार करने वाले यहाँ पे कपल्स आते हैं। मुझे ऐसी क्यों आ रही है? देख सकते हैं आप सब, कपल्स आते हैं यहाँ पे। और वहाँ पे मैंने लाइव वीडियो बनाया था, तो पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो मैंने, मतलब मुझे इतने पागल लोग होते हैं, मतलब कुछ भी प्यार होता भी है क्या? प्यार नहीं होता कहीं भी, प्यार बस पेरेंट्स से ही होता है, और जिसको हो जाता होगा तो वो तो अलग ही इंसान होते होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा स्टोन है ये, और इस स्टोन में इतना बड़ा स्टोन है। तो फिर ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस मार्केट की चाहिए जल्दी से कमेंट में बता सकते हैं आप। और यहाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे वो